इंडिया गठबंधन में यूपी के विधानसभा उपचुनाव में बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन फूलपुर में जो हुआ उससे गठबंधन में अजीबोगरीब हालात पैदा हो गए हैं। फूलपुर में सपा प्रत्याशी के खिलाफ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने नामांकन दाखिल कर दिया है। उत्तर प्रदेश की जिन 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं उसमें प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट भी है। प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर एक नया पेज फंस गया है। प्रयागराज में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गंगापार सुरेश यादव ने पार्टी से बगावत कर दी है। उन्होंने फूलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इससे पार्टी नेताओं में खलबली मची हुई है। आज पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश के समस्त जो हमारे चिंतक लोग हैं, हमारे तमाम वरिष्ठ लोगों ने सबको मैं बधाई देना चाहता हूं और फूलपुर की ऐतिहासिक जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं। लगातार फूलपुर की जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है, कभी अपने को नहीं पाई। अभी भी आप चुनाव हो रहा है, आप लोग जानते होंगे वहां पे जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं कोई फूलपुर का नहीं। कांग्रेस से आप लड़ेंगे या गठबंधन? हम कांग्रेस पार्टी से आगाह कर रहा हूँ, नेतृत्व से आगाह कर रहा हूँ। अभी आपके पास जो भी समय है इसमें कोई ठोस निर्णय करें। सपा प्रत्याशी जहां इंडिया गठबंधन के एकजुट होने का दावा कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने पर्चा दाखिल कर सभी को स्तब्ध कर दिया है। कांग्रेस के गंगापार जिला अध्यक्ष सुरेश यादव ने फूलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए पर्चा दाखिल कर दिया। सुरेश ने बाकायदा पार्टी के खिलाफ बगावत की है और जिस तरीके से पार्टी के इन लोगों ने गिरवी रखा, जग सिलेंडर किया, इसको कार्यकर्ता और नेता इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जो हमारे यहाँ प्रदेश के नेतृत्व लोग जो है, तो जो इंडिया गठबंधन है, आप तो गठबंधन में है ना? अरे भाई, जिस तरीके से पार्टी की घटना चरक हुआ, आप लोग सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया में बधाई देना चाहता हूँ। आप लोगों ने प्रमुखता से दिखाया इसको, बगावत नहीं कर रहे, बगावत है। कांग्रेस फूलपुर विधानसभा सीट सपा से मांग रही थी, लेकिन अंत तक इस पर सहमति नहीं बन सकी। यहां से सपा ने मुस्तफा सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाया है। मुस्तफा ने अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया है, हालांकि उनके साथ पार्टी का कोई नेता या पदाधिकारी मौजूद नहीं था। उन्होंने बेहद गोपनीय तरीके से पर्चा दाखिल किया। सपा प्रत्याशी जहाँ इंडिया गठबंधन के एकजुट होने का दावा कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने पर्चा दाखिल कर सभी को हैरान कर दिया है। अब देखना यह है कि वो पर्चा वापस लेते हैं या नहीं, चुनाव में ताल ठोकते हैं या नहीं, पार्टी उन्हें सिंबल देती है या फिर नहीं। कांग्रेस के सुरेश यादव ने अपना नामांकन भरने के बाद मीडिया से यह बात भी कही है कि अगर कांग्रेस चाहेगी तो वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर भी चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान सुरेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के आला पदाधिकारियों पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की है और बाकायदा चेतावनी देते हुए ये कहा है कि अगर उन्हें पार्टी से सिंबल नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव ही लड़ेंगे। जाहिर है ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के लिए आगे आने वाले समय में चुनाव में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।